दोस्तों, अगर आपको भी IPL देखना अच्छा लगता है तो प्लीज अभी इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, IPL 2019 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब मार्च 2019 में IPL का 12वां सीजन खेला जाएगा। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है और वो ये है कि IPL 2019 में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से ये मांग की है कि उनके टीम के खिलाड़ियों को भी IPL 2019 में खेलने का मौका दिया जाए। PCB ने ये कहा है कि लड़ाई हम दोनों देशों के बीच है, ना कि खेल के बीच, तो ऐसे में राजनीति को लाना सही नहीं है और सभी को मिलकर खेलना चाहिए। और दोस्तों, इसका जवाब देते हुए BCCI ने भी अपने एक बयान में ये कहा है कि वो जल्द ही इस पर कुछ फैसला लेंगे। BCCI ने आगे ये भी कहा है कि वो भी चाहते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम क्रिकेट में तो लड़ाई ना रहे, इसीलिए वो जल्द ही कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो कहा BCCI ने अपने बयान में। वैसे दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि IPL की शुरुआत में यानी कि 2008 में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी IPL खेले थे और अच्छा खासा प्रदर्शन भी रहा था उनका। लेकिन फिर 2011 में जब मुंबई के ताज होटल हमले में पाकिस्तान का हाथ पाया गया तो उसके बाद स्पोर्ट्स को भी राजनीति में घेर लिया गया, जहां सब सोच रहे थे कि 2009 के IPL में इंडिया पाकिस्तान फिर एक होकर खेलेंगे। वहीं नीलामी से पहले ही टीम के मालिकों को ये सलाह दे दी गई थी कि वो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल ना करें। दोस्तों, हालांकि उस वक्त कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं लगा था, पर दबाव की वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ी पर किसी भी टीम के मालिक ने बोली नहीं लगाई थी और जिनकी टीम में पाकिस्तान के खिलाड़ी थे पिछले सीजन में, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि अगर हम देखें तो कोई भी टीम नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब दोबारा IPL में खेलते हुए दिखें। और दोस्तों, इसी के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL खेलने पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि जब दोनों देशों के बीच लड़ाई होती है तो उसमें क्रिकेट को सबसे पहले घेर लिया जाता है और हालात और भी ज़्यादा बदतर बना दिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मांग पर पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने भी एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में खिलाया जाए तो IPL और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। अभी दोनों ही देशों के बीच संबंध काफ़ी ख़राब हैं, तो ऐसे में खेल भी एक जरिया हो सकता है इनके बीच तकरार को ख़त्म करने के लिए। हमने देखा है कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें IPL में लेकर और भी ज़्यादा रोमांचक बनाया जा सकता है। दोस्तों, गांगुली ने आगे ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच लड़ाई को हमें क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए और पाकिस्तान को भी मौका देना चाहिए IPL खेलने का। किससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच अच्छे व्यवहार बनने की संभावना बन सकती है। अब दोस्तों, हम आपको वो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी बताएंगे जो कि IPL में खेल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 11वें पे नाम आता है उमर गुल का। दोस्तों, IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए उमर गुल ने 6 मैचों में 12 विकेट चटकाए थे। IPL में इनका प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा था, इन्होंने 39 रन भी बनाए थे। फिर दोस्तों, 10वें नंबर पे आते हैं शाहिद अफरीदी। इन्होंने IPL 2008 में डेकन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए 10 मैचों में 9 विकेट चटकाए थे और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी की थी। हालांकि दोस्तों, अपने पहले ही सीजन में शाहिद अफरीदी कई विवादों में भी फंसे थे। फिर है 9वें नंबर पर शोएब अख्तर। दोस्तों, क्रिकेट जगत के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी गेंदबाजी के दम पर कोलकाता को कई शुरुआती मैच जिताए थे। शोएब ने IPL में 3 मैच खेलते हुए 5 विकेट लिए थे। फिर 8वें नंबर पर हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक को दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने शामिल किया था। मलिक का IPL करियर कुछ खास नहीं रहा था। इन्होंने IPL में 7 मैच खेले जिसमें इन्होंने मात्र 52 रन बनाए और 2 विकेट हासिल किए। फिर 7वें नंबर पर हैं मोहम्मद हफीज़। IPL 2008 में कोलकाता की तरफ से खेलते हुए हफीज़ ने 8 मैचों में सिर्फ 64 रन बनाए और 2 विकेट लिए। फिर हैं 6वें नंबर पर सलमान बट। सलमान ने IPL में KKR की तरफ से 7 मैचों में 27 की शानदार औसत से 193 रन बनाए थे।
इनका फॉर्म काफी शानदार रहा था उस वक्त। फिर पांचवें नंबर पर है मोहम्मद आसिफ। आसिफ आईपीएल में बैन किए जाने पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। आईपीएल में आसिफ ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 8 मैचों में 8 विकेट हासिल किए थे और उसके बाद ये फिक्सिंग में फंसे और इन पर बैन लगा दिया गया आईपीएल में। फिर है चौथे नंबर पर मिसबाह उल हक। दोस्तों, पाकिस्तान के इस कलात्मक बल्लेबाज ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए 8 मैचों में 117 रन बनाए। फिर है तीसरे नंबर पर कामरान अकमल। पाकिस्तान के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 6 मैच खेले। आईपीएल में कामरान के नाम 128 रन। फिर दोस्तों, पहले नंबर पर नाम आता है सोहेल तनवीर का। दोस्तों, पाकिस्तान के इस बाएं हाथ के गेंदबाज ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 11 मैच में 22 विकेट अर्जित किए थे। इनका इस दौरान बेस्ट फिगर 14 रन देकर 6 विकेट रहा। आईपीएल 2008 में सोहेल तनवीर द्वारा किए गए इस बेहतरीन प्रदर्शन को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। दोस्तों, आईपीएल के 11 सीजन बीतने के बाद भी आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी ने सोहेल तनवीर के इस रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने आईपीएल के एक मैच में 6 विकेट नहीं लिए हैं। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा की, तो उन्होंने आईपीएल में एक बार 6 विकेट लिए हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो भारतीय गेंदबाज अभी तक ऐसा कमाल नहीं कर पाए हैं आईपीएल में। तो दोस्तों, ये तो थे वो 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि आईपीएल खेल चुके हैं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? हमें जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी इस पर बात करते हुए ये कहा है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे तो उससे दोनों टीमों का ही फायदा होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के पास काफी शानदार खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में मिलके खेल बहुत ही बढ़िया हो सकता है दोनों देशों के बीच, और जो राजनीति है वो भी शायद कम हो सकती है। दोस्तों, वैसे एक बात और है कि आईपीएल 2019 भारत में नहीं होगा लोकसभा इलेक्शंस के चलते, तो ऐसे में आईपीएल को साउथ अफ्रीका या यूएई में शिफ्ट कराया जा सकता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर आराम से खेल सकते हैं। और दोस्तों, अगर यही आईपीएल भारत में होता तो शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने का मौका ना मिलता, लेकिन अब क्योंकि आईपीएल 2019 भारत के बाहर हो रहा है तो ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल खेल सकते हैं और इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें अगर आईपीएल खेलने की अनुमति दे दी जाए तो वो अच्छी खासी रकम में बिक सकते हैं। तो चलिए देखते। तो इसमें पहले नंबर पर नाम आता है बाबर आजम का। दोस्तों, पाकिस्तान के इस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने काफी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी की है अभी तक, और इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। आपको बता दें कि साथ ही वो हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। उन्होंने T10 लीग में 26 गेंदों पर शतक भी लगाया था। उनकी तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से की जाती है। तो अगर बाबर आजम आईपीएल ऑक्शन में भाग ले लें तो सभी टीमें उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेंगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। फिर दोस्तों, अगले नंबर पर नाम आता है मोहम्मद आमिर का। दोस्तों, इन्हें तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ये मुख्य गेंदबाज हैं, तो ऐसे में इन पर भी अगर नीलामी लगती तो बहुत ही बड़ी रकम में ये भी जा सकते थे। फिर अगले नंबर पर है आसिफ अली। 27 वर्षीय आसिफ अली का जब बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए ये भी सरदर्द बन जाते हैं। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में होने वाले मिजांसी सुपर लीग में केम टाउन ब्लिट्स की तरफ से खेलते हुए मात्र 33 गेंदों पर 88 रन बना दिए थे आसिफ अली ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं और काफ़ी विस्फोटक खिलाड़ी भी हैं। उनका T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर है और वनडे क्रिकेट में 138 के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं। तो अगर आसिफ अली आईपीएल ऑक्शन में भाग ले लें तो उन्हें भी कोई भी टीम खरीदने का मौका नहीं छोड़ेगी। फिर हैं अगले नंबर पर शादाब खान। दोस्तों, विश्व के दूसरे सबसे अच्छे T20 गेंदबाज शादाब खान इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 29 मैचों में 42 विकेट ले चुके हैं।
उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी 6.58 की है। वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वो पाकिस्तान में हार्दिक पांड्या से भी ऊंचा नाम रखते हैं। आपको बता दें कि उनका रिकॉर्ड भी हार्दिक पांड्या से कहीं आगे हैं। तो ऐसे में अगर वो ऑक्शन में भाग ले लें तो अच्छी खासी रकम में जा सकते हैं। फिर दोस्तों पांचवें और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो उसमें है शाहीन अफरीदी। 18 साल के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग में मात्र 4 ओवर में 4 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी की थी। आपको बता दें कि PSL में वो ब्रेंडन मैकलम की टीम से खेले थे। अभी उन्होंने 7 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 11 विकेट लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका करियर अभी काफ़ी नया है और इतने ही उम्र में ये इतनी बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। तो ऐसे में इन पर भी अच्छी खासी बोली लग सकती थी। तो दोस्तों ये तो थे वो 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी जिन्हें अगर नीलामी में मौका मिले तो बहुत ही बड़ी रकम में बिक सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL 2019 खेलना चाहिए या नहीं? जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे दिल से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कम से कम दोस्तों लाइक तो कर ही दीजिए अगर आप IPL के फ़ैन हैं और देखना भी पसंद करते हैं। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी ध्यान से दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको IPL से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी। इसीलिए उसे भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए। बाय बाय।